हेलो डियर लर्नर्स, सभी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है पाथफाइंडर के कंप्लीट पाथफाइंडर की सीरीज में, जहां हम लोग टॉपिक्स के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं अपने पूरे कंप्लीट थारोली सिलेबस को। आज बारी है एडजेक्टिव की। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स की। तो ये जो टॉपिक है आपका, बेसिकली वैसे आप एडजेक्टिव के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको डिटरमिनर्स के भी दिखाई पड़ेंगे। तो दोनों एक साथ लेकर के चलने वाले हैं, और साथ ही जो क्वेश्चंस मैं आपसे पुटअप करूं इन 30 क्वेश्चंस के एक्सेप्ट, तो उनको भी आपको यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आप भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन। बाकी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। कोशिश करेंगे कि जो भी पॉइंट मिले उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो सारा क्लियर करते हुए चले। तो आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्रॉप सेक्शन है, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको बुक के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट, देयर वर नो लेस देन 50 पर्संस प्रेजेंट इन द रूम, क्लियर। और ये अक्सर क्वेश्चन इस तरीके का बनता है जो फ्यू और लिटिल के बेस पर आपसे पूछा जाता है। तो सर, फ्यू और लिटिल, देयर आर टू डिटरमिनर्स, फर्स्ट वन इज फ्यू एंड सेकेंड वन इज लिटिल। फ्यू का यूज करते हैं, फ्यू कैन बी यूज विथ काउंटेबल नाउन एंड लिटिल कैन बी यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। फ्यू की डिग्रीज की बात करें तो सर, इसकी कंपरेटिव डिग्री फ्यूअर एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट। और लिटिल की बात करें तो सर, लेस होता है, लेस कंपरेटिव वर्ड है, एंड लीस्ट इज आर सुपरलेटिव वर्ड। तो ये आपको डिग्री, यू हैव टू नो द डिग्री ऑफ फ्यू एंड लिटिल, क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देयर वर नो लेस देन 50 पर्संस, 50 पर्संस आर काउंटेबल नाउन, दीज आर काउंटेबल, ठीक है। 50 पर्सन कैन बी काउंटेड, तो दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज लेस। एंड जब आप लेस को रिमूव करेंगे तो लेस कंपरेटिव वर्ड है, तो सर फ्यू का भी कंपरेटिव वर्ड ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, दैट इज फ्यूअर, दैट इज फ्यूअर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर आर नो लेस देन 50 पर्संस प्रेजेंट इन द रूम, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका पार्ट नंबर सेकेंड होगा। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड्स, क्लियर। ये कहना चाह रहा है, कुछ रिमार्क जो मेरे फ्रेंड पर किए गए, कह रहा दैट ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के लिए कुछ रिमार्क जो उस पर किए गए वो बड़े ही ऑफेंसिव थे। सर ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है, एंड यू नो वेरी वेल कि एक टर्म होता है आपका फ्यू, एक टर्म होता है सर आ फ्यू, और एक टर्म होता है आपका द फ्यू। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इन तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वैसे इनको एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट चाहिए, ठीक है, इस लेवल की ये चीज़ है। बाकी फ्यू का मीनिंग कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जिससे हम काम ना चला सके, ठीक है। तो ये आप सीधे सीधे टर्म पर याद रखेंगे, वैसे ना के बराबर आप बोलते हो, ना के बराबर मतलब कुछ किसी चीज़ का नंबर इतना ज़्यादा कम है कि उससे वो चीज़ प्रोसीड नहीं की जा सकती है, क्लियर। जैसे कहा जाए मीटिंग में लोग इतने ज़्यादा कम थे कि मीटिंग को प्रोसीड नहीं किया जा सका। सर फ्यू का एग्जाम्पल है, आप फ्यू मीन्स होता है कुछ, यू नो वेरी वेल, जिससे हम काम चला सकें। तो एक ऐसा नंबर जिससे हम काम चला सकें वो क्या है, आ फ्यू है। और सर द फ्यू की बात करें तो द फ्यू क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जितने हैं पूरे के पूरे, मतलब कंप्लीट को शो करेगा, ऑल दैट अवेलेबल। तो ये आपको याद रखना है। सेम वाइस वर्सा अगर यही बात अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे तो सर लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल का आप यूज कर पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है, जो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है कि सर द फ्यू के साथ एक्चुअली इस केस में बेसिकली आपको ज़्यादातर टाइम्स क्या दिखाई पड़ेगा, दैट दिखाई पड़ेगा, दैट रिजेंबल होगा। तो अगर दैट लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर रहे हैं, तो फिर सर ना आ फ्यू आएगा और ना फ्यू आएगा, ना लिटिल आएगा, ना आ लिटिल आएगा, वहाँ पर द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज करेंगे। एक दूसरी बात, सेकंड थिंग, कई बार यहाँ पर पोजीशन भी शो करके वो कंप्लीट का मीनिंग दिखा देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्यू रिमार्क्स, और जैसे आप आगे दैट तक गए तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द फ्यू रिमार्क्स, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये वर्थ वॉचिंग है। वर्थ वॉचिंग मीन्स आप जानते हैं देखने लायक या देखने लायक ना होना, ठीक है, दोनों मीनिंग। तो ये वैसे तो नॉर्मली जितने एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले लिखे जाते हैं, नाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके के एडजेक्टिव जो
वर्थ वॉचिंग से या वर्थ के साथ आप किसी भी एडजेक्टिव को यूज करके लिख रहे होते हैं सर, ये इसके बाद में प्लेस किए जाएंगे। और वैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करके भी देख सकते हैं, आप सेंटेंस को बोल करके भी, पढ़ करके भी समझेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि ये बाद में आने चाहिए। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, डॉक्यूमेंट्री जो देखने लायक है, ये कहना चाह रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्थ के साथ कोई एडजेक्टिव है और वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उस नाउन के बाद रखेंगे। नॉर्मली जितने एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं। जैसे कहा जाए इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग मूवी, है ना, तो फिर आप कैसे इसको लिखेंगे, इट इज़ अ मूवी वर्थ वॉचिंग। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। डियर स्टेटमेंट नंबर 4, ऑफ ऑल द स्टूडेंट रीता वॉज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस्ड। क्लियर, कह रहा है रीता सबसे कम वरीड है, किन में, कह रहा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब आप देखिए ये यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर कंपैरिजन दो डिग्री एक्सप्रेस करते हैं, एक आपका कंपरेटिव डिग्री है और एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन अगर आपको वन वर्सेस अनदर की कंपैरिजन दिखाई पड़े तो सर उसमें हम कंपरेटिव डिग्री के साथ प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर वन वर्सेस ऑल की कंपैरिजन है, ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करने वाला है, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल द स्टूडेंट, रीता की कंपैरिजन सभी स्टूडेंट से है, सर यहाँ पर वन वर्सेस ऑल का कंटेक्स्ट है, वन वर्सेस ऑल का कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सर लेस नहीं आएगा, यहाँ पर लीस्ट आएगा, लिटिल लेस एंड लीस्ट अभी मैंने आपको सिखाया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, तो आगे के 5th, 6th और 7th क्वेश्चन है, देखिएगा। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सैड टू हैव ईयर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। अब इस स्टेटमेंट को आपने जैसे पढ़ा, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, यहाँ तक कि जो सबसे परफेक्ट व्यक्ति है, सर ये जो परफेक्ट वर्ड है ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। सर ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनका हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिजाइन नहीं कर सकते, वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। सर ऐसे कुछ एडजेक्टिव के नेम बता दीजिए, तो इनके सिंपल से नेम है, जैसे परफेक्ट है, जैसे आइडियल है, जैसे यूनिवर्सल है, जैसे यूनिक है, जैसे ऑटोमेटिक है, जैसे नेचुरल है, जैसे राउंड है, जैसे स्क्वायर है, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का ना तो कंपरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है, मतलब दोनों नहीं बना सकते हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ ना तो हम मोर लगा पाते हैं और ना ही मोस्ट लगा पाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसे समझना चाहें तो इवन अ परफेक्ट पर्सन, इवन अ परफेक्ट पर्सन, तो परफेक्ट इज अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज मोर ऑब्लिक मोस्ट बिफोर परफेक्ट। नेक्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। सर एक ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, हर एक के ओपिनियन में, के अनुसार सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। सर एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट बनता है, उसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मैंने कहा सर यहाँ दो पर्सन है, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, और इनके बीच में कंपैरिजन है सर ईआर से बनाए। कंपैरिजन किन से करते हैं आप, या तो ईआर से या मोर से, कंपरेटिव डिग्री में दो ही तरीके से करते हैं, या तो ईआर से या मोर से। यहाँ पर अगर बात करें डियर की, पर्सन एक ही है, मान लिया पर्सन एक है, क्वालिटी इसकी दो हैं, एक क्वालिटी ए है, एक क्वालिटी बी है, और इन क्वालिटीज के बीच में कंपेयर है, तब सर किससे करेंगे, मोर से करेंगे, फिर ईआर से नहीं करेंगे, मोर से कंपेयर कर रहे होंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। वेन एवर सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग दी गई है, उसी की दो क्वालिटीज़ दी गई हैं, उन क्वालिटीज़ के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो सर वो कंपैरिजन हम किससे करेंगे, वो हम मोर से कर रहे होंगे, ना कि ईआर से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इफ़ सिंगल पर्सन ऑब्लिक सिंगल थिंग इज गिवेन एंड टू डिफरेंट क्वालिटीज इज कम्पेयर्ड ऑफ दिस सिंगल पर्सन ऑब्लिक थिंग, देन वी यूज मोर फॉर कंपेरिजन नॉट ई आर। तो ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। दिस हॉल इज वाइडर देन हाई, दिस हॉल इज वाइडर देन हाई, इज इट करेक्ट आर नॉट, ये आपको देखना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको
बताना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, द टाइगर इज ए स्विफ्ट एज एनिमल। ये भी क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में भर भर के आता है, इसके लिए भी पूरी तरीके से आप प्रिपेयर रहिए। क्या आपको ध्यान रखना है कि सर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वन वर्सेस आ ग्रुप की कंपेयर कर रहे होते हैं, वन वर्सेस आ ग्रुप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की कंपेयर हम उसके पूरे ग्रुप से कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है सर, कुछ वर्ड है जैसे आप एनी लिखते हैं, जैसे आप ऑल लिखते हैं, जैसे आप मोस्ट लिखते हैं, मोस्ट लिखते हैं, क्लियर, और इन सभी के साथ, या फिर नो लिखते हैं सर, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, अदर का यूज करते हैं। ये अदर वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है और जगह जगह आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना पूरे ग्रुप से कर रहे होते हैं और वो उसके खुद के ग्रुप से कंपेयर कर रहे होते हो, तो ध्यान रखना ये हम इन वर्ड्स के साथ एनी, ऑल, मोस्ट और नो के साथ अदर लगा रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल आपका कंपेरेटिव डिग्री में काम करता है सर, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका पॉजिटिव डिग्री में काम करता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करता सर किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं काम करता, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो द टाइगर इज ए स्विफ्ट एज एनी एनिमल नहीं होगा सर, एनी अदर एनिमल हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, एट और नाइन के बारे में हम देखते हैं। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, ये क्या है कट अ सॉरी फिगर, पहले तो ये एक idiom है, इसको जरा आप अंडरलाइन करिएगा और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करिएगा। जरा मुझे बताइएगा कट अ सॉरी फिगर क्या होता है, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होता है, ये एक एडमेटिक फ्रेज है, ठीक है। और क्या कह रहा है, व्हेन ही रियलाइज, जब उसने रियलाइज किया दैट ही हैड नो एनी मनी इन हिज पर्स, जब उसको पता चला कि उसके पर्स में पैसे ही नहीं है, तो उसको कैसा महसूस हुआ, बहुत ही बुरा महसूस हुआ होगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा है, तो नो, नो एक्चुअल में एक डिटरमिनर है और नो का मीनिंग होता है डियर नॉट एनी, नॉट एनी। तो या तो आप सेंटेंस में नो लगा लीजिए, मतलब किसी नाउन को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, कोई डिटरमिनर लगाना चाह रहे हैं, सर नो के साथ काम चला सकते हैं, नॉट एनी लगा सकते हैं सर, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर ऐसे नो एनी लिखा तो ये कैसा हो जाएगा सर, ये रॉन्ग हो जाएगा नो एनी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि नो के साथ हम एनी का यूज नहीं करवाते हैं, क्लियर, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल, कह रहा है ये तीन मिनिस्टर हैं और इनमें से जरा बता सकते हो कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। सर हाउ मैनी मिनिस्टर्स आर गिवन, हाउ मैनी मिनिस्टर्स आर गिवन, तो एक बेसिक बात जो आप पढ़ते हैं कि सर कंपरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम टू के लिए, एंड अ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज फॉर मोर देन टू, यू नो वेरी वेल, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये केवल और केवल वैलिड होता है सिलेक्शन के केस पर, ये बात आपको याद रखनी है, ये केवल और केवल सिलेक्शन के पॉइंट पर बेस होता है। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है कि ऑफ थ्री मिनिस्टर तीन मिनिस्टर्स हैं, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोस्ट सक्सेसफुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ना कि मोर सक्सेसफुल, आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ जाएंगे, ना कि कंपरेटिव डिग्री के साथ, बिकॉज देयर आर थ्री मिनिस्टर्स आर गिवन। नाउ अप टू 10, 11, 12, 13 पर बात करेंगे। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास की सबसे सुंदर और क्या कह रहा है, सबसे अच्छी लड़की है। सर एंड से आप बैलेंस करते हैं, एंड के पहले अगर आपने सुपरलेटिव लिखा है बाद में सुपरलेटिव, एंड के पहले कंपरेटिव बाद में कंपरेटिव, एंड के पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, मींस हम क्या करते हैं सर, बैलेंस करके चलते हैं, तीनों को हम क्या करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है, सर बेस्ट है या ब्यूटीफुल है, आप सोचेंगे ब्यूटीफुल है तो पहले गुड कर लें, तो सर सेंटेंस डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कंटेक्स्ट दिया है, ये कंटेक्स्ट दिया है वन वर्सेस ऑल का, और वन वर्सेस ऑल मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के टर्म होता है। कह रहा है सी एक गर्ल है जिसकी कंपैरिजन कर रहे हो आप क्लास से, पूरी होल क्लास से, है ना, तो इसका मतलब वन वर्सेस ऑल की कंपैरिजन बन रही है, वन वर्सेस ऑल में सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही जाओगे, ना कि आप पॉजिटिव के साथ। तो ये जो आपके माइंड में आएगा कि बेस्ट की जगह गुड कर दें, इसको पहले ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम ब्यूटीफुल के पहले क्या लगाएंगे, मोस्ट, लेकिन याद रहे यू हैव टू रिमेंबर कि इस मोस्ट के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि रीजन इज दैट जब एंड आप एंड से आप कनेक्ट करते हैं दो सुपरलेटिव डिग्री को, तो आर्टिकल द केवल फर्स्ट के साथ ही कॉमन हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अप टू 11, 1, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम फ्यू बुक्स दैट माइट हेल्प
मी इन माई डिफ़िकल्टीज। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, कह रहा है आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, कह रहा है टू लेंड मी फ्यू बुक्स, कुछ बुक्स उधार दे दे, दैट आई माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज, जिससे मेरी पढ़ाई में मुझे हेल्प मिल जाए। अभी एक बात देखिएगा, दैट लगा रहा है सर, यहीं से क्ल्यू मिल गया कि ये फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू आएगा। कुछ बुक्स जो भी उसके पास हैं वो दे दे, जो मेरी स्टडीज में मुझे हेल्प मिलेंगी। वैसे स्टडीज़ में हेल्प के लिए कुछ तो बुक्स चाहिए, तो यहाँ पर चाहे आ लगाइए या दा लगाइए, दैट है तो फिर दा के साथ प्रोसीड करिए, बेहतर है। ही इज़ टॉलेस्ट दैन एनी बडी इन द स्कूल, तो यहाँ पर देखिए दैन का यूज कर रहे हैं डियर, दैन इज गिवन, एंड दैन कब आप यूज करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये आप कंपैरिजन के केस में यूज करते हैं जब कंपेरेटिव डिग्री दी गई हो। सर यहाँ पर टॉलेस्ट लिखा है, ये कि रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे सर, टॉलर यूज करेंगे। तो सी ही इज़ टॉलर दैन एनी बडी इन द स्कूल, ही इज़ टॉलर दैन एनी बडी इन द स्कूल। हालांकि सेंटेंस का ऑर्डर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन की कैटेगरी में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज जब आप वन या बडी लगाते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो सर इल्स भी लगाना होता है, तो यहाँ पर इल्स भी लगना चाहिए था एनी बडी के साथ। अब लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी दो पार्ट में, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछने, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं है। आइए नाउ मूव टू 13। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम वॉट एंगर, आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, टू सी देख करके हर स्पीक, उसको बोलते हुए, विथ सम वॉट एंगर, सम वॉट मतलब जो कुछ भी है ना, तो यहाँ पर सम वॉट नहीं आएगा, सम एंगर, उसको गुस्से में देख करके मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हुए देख करके मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तो यहाँ पर सम का यूज करिए, सम और सम वॉट में डिफरेंसेस होते हैं। सम और सम वॉट की बात करें सर डिटर्मिनर से ही है, लेकिन बट अंतर ये आता है कि सम का मीनिंग आप जानते हो, सम वॉट का मतलब जो कुछ भी, जो यहाँ पर मीनिंग जस्टिफाइड नहीं होगा। नेक्स्ट, माय ब्रदर, ये 14, 15, 16 में हम बात करने वाले हैं। माय ब्रदर इज एल्डर दैन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर, मेरा भाई जो है मुझसे कैसा है, एल्डर है नहीं ओल्डर है, ही माय ब्रदर इज ओल्डर दैन, सर दैन लगा रहा है और दैन के साथ कंपरेटिव वर्ड। अब एल्डर एंड ओल्डर में डिफरेंसेस होते हैं, यू नो वेरी वेल, एल्डर एंड ओल्डर में डिफरेंसेस है। एल्डर फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज करते हो डियर, और ओल्डर कंपैरिजन के लिए यूज करते हो। यहाँ पर फिलहाल आगे दैन दिया गया है, दैन इज गिवन, दैट्स वाई वी यूज ओल्डर इन प्लेस ऑफ एल्डर। नेक्स्ट, लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल दैन योर फ्रेंड, थोड़ी सी केयर आप अपने साइड से रखें, ये चीज़ आपको क्या करेगी, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी दैन योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड की अपेक्षा, ये कहना चाह रहा है डियर। अब इस पर बात करते हैं, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है लिटिल केयर, लिटिल केयर ऑन योर पार्ट, कह रहा थोड़ी बहुत केयर जो भी आप रखोगे, यहाँ पर अगर लिटिल के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो इट मीन्स केयर नहीं है, ना के बराबर मीन्स नहीं है। वुड, अच्छा सक्सेस, वो चीज़ अगर आप केयर नहीं करते हो तो क्या वो आपको आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग या तो आ देगा या फिर द से आप कन्वे करेंगे, तो यहाँ पर आ लिटिल वुड बी बेटर। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ गिल्टी। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफर द मोस्ट आइडियल, सर ये इनकरेक्ट हो गया, आइडियल इज अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, क्लियर, यू नो वेरी वेल, अभी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। तो सर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ मोस्ट नहीं आएगा, और मोस्ट लगा था इसलिए आर्टिकल दा था, तो सर दोनों को रिमूव करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, 17 एंड 18 पर डिस्कशन करते हैं। सी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आर इंस्टीट्यूट, सर ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल, सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आर इंस्टीट्यूट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक, कह रहे जो लेटेस्ट चैप्टर है सर, लेटेस्ट और लास्ट में डिफरेंस होता है, यू नो वेरी वेल, एक वर्ड होता है आपका लेटेस्ट और एक वर्ड होता है आपका लास्ट, लेटेस्ट एंड लास्ट, और ये सर बनते कैसे हैं, यू नो वेरी वेल कि जब आप लेट लिखते हैं तो लेट लेटर लास्ट है ना, इस तरीके से टर्म आप लिखते हैं।
तो उसी में से दो टर्म है सर, ये सीक्वेंस बताता है, ऑर्डर बताता है। सीक्वेंस लिख लीजिए आप, ऑर्डर लिख लीजिए, और लेटेस्ट मतलब रिसेंट होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट। इस चैप्टर का जो, इस नॉवल का जो आखिरी चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सभी चैप्टर्स जो भी बुक में दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सर यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर नहीं आएगा, सर यहाँ पर लास्ट चैप्टर आएगा। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, 1920 और 21 की बात करने वाले डियर। कह रहा है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 19 एज सेम है जैसे आपने पीछे पढ़ा। नीदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल सी एक्सपेक्ट टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, सी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप नीदर को अगर पहले रख ही रहे हैं तो फिर इच को पहले ले आइए, नीदर इज सी इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। तो आप इसको दो तरीके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इंटू टू वेज, है ना, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि इच को पहले ले आइए तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे, एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं नीदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ ऑल द मोर बेटर इफ़ यू वर्क इन माई कंपनी, ये बेहतर होगा अगर तुम मेरी कंपनी में काम करो तो। अब यहाँ पर देयर आर डबल कंपरेटिव आर गिवेन, मोर भी है और सर बेटर भी है, क्या दो कंपरेटिव एक साथ यूज कर सकते हैं? सर दो बातें आपको याद रखनी है, डबल कंपरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इज नॉट अलाउड, डबल कंपरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इज नॉट अलाउड। ये आपको याद रखना है कि ना तो डबल कंपरेटिव यूज कर पाते हैं और ना ही डबल सुपरलेटिव यूज कर पाते हैं। तो सर इट इज ऑल द बेटर, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मोर को ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, इट वॉज बिटर कोल्ड सो वी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट दैट मॉर्निंग, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा डियर, ये कोल्ड वर्ड जो है सर ये एडजेक्टिव है, और कोल्ड कैसी है, कह रहा बिटर है, बिटर नहीं होगा, बिटरली आएगा। इट वॉज बिटरली कोल्ड। अब यहाँ कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हो, बिकॉज देखिए जब आप कोई एडजेक्टिव मेंशन करते हैं और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कराना है तो सर वो एक एडवर्ब मॉडिफाई करेगा उसको, इसलिए वी यूज बिटरली इन प्लेस ऑफ बिटर। नेक्स्ट, जैसे एक स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, ये स्टेटमेंट सॉल्व करके आप बताइएगा। स्टेटमेंट नंबर सेकंड है आपका, मैंने कहा सी इज एक्सट्रीम हैप्पी टुडे। नो एनिमल इज एज सेक्रेट टू द हिंदूज इज द काउ इज, कोई भी जानवर उतना सेक्रेट नहीं है जितनी कि काउ है, हिंदू रिलीजन की बात कर रहा है। तो नो अदर एनिमल अभी आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, वन वर्सेस अ ग्रुप वन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है परमार अकेडमी ऐप पे। अगर आप इनरोल हैं, नाइट्स बैच में इनरोल हैं, तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्राइटली तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक एक कॉन्सेप्ट पर कम से कम 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसे पूरी तरीके कंसोलिडेट हो गया है। देयर इज नो नेम मोर ग्लोरियस दैन सरदार पटेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर अगेन कंपैरिजन की बात कर रहा है, सरदार पटेल की कंपैरिजन कर रहा है हिस्ट्री के जितने बाकी नेम हैं, तो नो अदर नेम इज मोर ग्लोरियस दैन सरदार पटेल, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऑल है, नो है, मोर है, क्लियर। इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, अदर का यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। इट इज़ वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स मोस्ट डज लेस। सर ये बात आपको यहाँ पर समझ नहीं आई होगी, इसमें हम कैसे करें। इट इज़ वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स मोस्ट, एक ऐसा अक्सर होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता ज़्यादा है वो चीज़ों को बहुत कम करता है, मतलब कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करता है वो बहुत कम चीज़ों को कर रहा होगा, ये कहना चाह रहा है। तो वन हु टॉक्स मोस्ट डज लेस तो कंपरेटिव है, अब यहाँ सुपरलेटिव लगा रहे हैं या कंपरेटिव लगा रहे हैं, तो सर ये रॉन्ग हो जाएगा, लेस की जगह क्या आ जाएगा सर, लीस्ट आ जाएगा।
लिस्ट कौन सा वर्ड है सर? पॉजिटिव वर्ड है। 25 क्लियर, 26 है। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है डियर, समझने की कोशिश करिए। फ्रॉम ऑल द अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट। सर एंड से बैलेंस करेंगे, एंड हमारे इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट है, दोनों चीज़ों को वैसे बैलेंस करेगा, पहला जैसा है वैसे बाद में। तो सर यहाँ पर बेस्ट कौन सी डिग्री है? एच डी है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऑनेस्ट कैसी है सर? ये पॉजिटिव डिग्री है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर भी आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो सर मोस्ट का यूज करिए। तो फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट देन दैट प्रिविलेज्ड इन द लास्ट ईयर। सर इस स्टेटमेंट में जरा चेक करें, यहाँ पर क्या कह रहा है? द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर, और देन यहाँ पर मेंशन कर रहा है, तो देन के साथ आप कंपरेटिव वर्ड लगाइए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वर्स। देखिए ये आपके तीनों डिग्री होती है सर, बैड है पॉजिटिव, सर वर्स है कंपरेटिव, एंड वर्स्ट है सर सुपरलेटिव। तो बैड, वर्स एंड वर्स्ट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कंपरेटिव, दिस इज सुपरलेटिव। 28, 29 और 30 की बात करते हैं डियर। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज। तो कह रहे हैं ज्योमेट्री और ड्राइंग जो हैं वो ज़्यादा इजी हैं किसकी अपेक्षा? कह रहा है ज्योमेट्री और सोशल स्टडीज़ की अपेक्षा। सर मोर इजियर लिख रहा है जो कि डबल कंपरेटिव हो गया, जो कि आपका रॉन्ग हो गया। तो ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज। 28 क्लियर हो गया सर। 29, ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट। सेम कॉन्सेप्ट है सर, फिर से रिपीट हो रहा है। एंड से बैलेंस करेंगे, यहाँ मोस्ट हेल्पफुल लिख रहा है मीन्स सुपरलेटिव है, यहाँ पर भी सुपरलेटिव लेस कंपरेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर? लिस्ट आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। माई अंकल फॉरबेड मी नॉट टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ दिस ऑफ हिज लेटर। माई अंकल फॉरबेड, फॉरबेड कैसा वर्ड है सर? निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, तो सर यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या ओपिनियन है। मैंने कहा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, द क्वालिटी ऑफ माई शर्ट या माई आइटम, द क्वालिटी ऑफ माई आइटम्स आइटम इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। ये स्टेटमेंट लिखा है सर, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये कमेंट करके जरूर बताइए। द क्वालिटी ऑफ माई आइटम इज बेटर देन, या ऐसे लिख लो आप, यहाँ पर आइटम को हटा लीजिए क्योंकि आइटम से हो सकता है कन्फ्यूज हो कि प्लूरल है या सिंगुलर है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया द क्वालिटी ऑफ माई बैग, ये लिखा हुआ है। द क्वालिटी ऑफ माई बैग इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, इज इट करेक्ट आर नॉट, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ये आपको बताना है। तो ये आपका एडजेक्टिव का सेगमेंट था। इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन लाइक, और इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड इवन योर एनमीज। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम मिलते हैं जल्दी, सून, स्टे हेल्दी।